नमस्कार, मैं आपको आज एक राज की बात बताने जा रहा हूं। वो राज की बात जुड़ी है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी क्या कमाते हैं, वो क्या बिजनेस करते हैं, आप सबको मालूम नहीं है, मगर 2004 में उनकी कमाई 55 लाख थी, सिर्फ 55 लाख, और 2009 में 9 करोड़। इतनी ज्यादा कमाई कहां से आई? वो सिर्फ एमपी है, एमपी के जो सैलरी आती है वही उनकी कमाई है। ना वो एग्रीकल्चर करते हैं, ना वो कोई बिजनेस करते हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी चार तरीके से कमाते हैं। पहली कमाई है यूनिटेक, जो 2G स्पेक्ट्रम से जुड़ी है। वो बड़ा फ्रॉड था, वो बड़ा भ्रष्टाचार था, आप सब जानते हैं। दूसरी कमाई पाहवा, जो संजय भंडारी से जुड़ी है। संजय भंडारी को भी आप सब जानते हैं, वो भी कितने बड़े फ्रॉड है। तीसरी कमाई है बेकॉब्स, जो लंदन से जुड़ी है, वो भी लंदन में एक फ्रॉड कंपनी मानी जाती है। और चौथी जो कमाई है वो चौंका देने वाली है, चौथी कमाई है उनका फार्म हाउस, जो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी फार्म हाउस से जाना जाता है। वो फार्म हाउस की जो कीमत है, उसकी प्राइस है, वो कागज पे दिखाई है 9 लाख, और उसको रेंट पे दिया है। रेंट पे जिसको दिया है उसको, उसके पास से रेंट 3 करोड़ लेते हैं। जिसकी कीमत 9 लाख हो और रेंट 3 करोड़ हो, वह भी बड़ा फ्रॉड है। ऐसे ही फ्रॉड से राहुल गांधी पैसा कमाते हैं। देखिए, ये जब देश चलाने का सपना देखते हैं तो ये कैसे देश चलाएंगे? देश भी फ्रॉड से चलाएंगे। अभी देश में राष्ट्रवाद है, हमें राष्ट्रवादी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं राहुल गांधी एक से बढ़कर एक बड़ा फ्रॉड है।